हेलो दोस्तों, मैं अमीरुल खान। स्वागत है मेरे चैनल सोना 3D होम डिज़ाइन में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि देख सकते हैं नीचे पार्किंग है, ठीक है। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर के डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। और एक साइड में क्या है, शॉप है, ठीक है। शॉप मतलब दुकान हो गया। और ऊपर में गाइस 2 BHK रहने के लिए, मतलब 2 रूम किचन बाथरूम है। और नीचे में भी गाइस 1 रूम किचन बाथरूम, मतलब सारा चीज़ है, स्टेयर वगैरह सारा वास्तु के अकॉर्डिंग है। और ये जो घर है गाइस, ये है वेस्ट फेसिंग, मतलब पश्चिम दिशा, मतलब इसका जो सामने का जो ये है फ्रंट है वो पश्चिम में है, ठीक है। तो चलिए गाइस, एंट्री दिखेगा तो मैं इसका नक्शा भी दिखाता हूँ। छोटा सा है, 27x कुछ का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो ये पहले हमारा, मतलब कि मैं आपको बता दिया कि नीचे पार्किंग है एक साइड 1 BHK एंड एक शॉप एंड ऊपर में रहने के लिए खुद का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ। और गाइस, आप इसको रेंट पर्पज़ के हिसाब से भी लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप नीचे में अगर रेंट दे दिए तो ऊपर में खुद का रहने के लिए एक अच्छा सा हो जाएगा। और एक रेंट आपका यहाँ पे भी शॉप लग जाएगा आराम से, तो नो प्रॉब्लम, कोई झंझट वाली बात नहीं है। चलिए, तो और ऊपर में आराम से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसका नक्शा दिखाता हूँ। तो गाइस, इसका जो फ्रंट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 27 फीट 9 इंच है। और लंबाई जो है गाइस 37 फीट 7 इंच है। और सामने में जो है गाइस 28 फीट 5 इंच है। बट क्या है ना, इसका प्लॉट काफ़ी थोड़ा टेढ़ा है, तो मैंने इस साइड में, मतलब साइड में जो है वेंटिलेशन छोड़ा हुआ है, मतलब खिड़कियाँ, ठीक है। जो आप खिड़कियाँ दीजिएगा, मतलब वेंटिलेशन परछाई, मतलब कि रोशनी तो आना ही चाहिए, तो इसलिए मतलब हमने दोनों साइड से छोड़ा है। और 27 फीट 9 इंच में प्रॉपर बनाया है और 37 फीट 7 इंच, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले पार्किंग पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पार्किंग का साइज हो गया 15 फीट 6 इंच बाई 14 फीट 4 इंच, ठीक है। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो गाइस, सामने जो है रोड है, ठीक है, नॉर्थ मतलब इधर है, वेस्ट फेसिंग है, साउथ एंड पीछे ईस्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा जो पार्किंग है, पहले यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 15 फीट 6 इंच बाई 14 फीट 4 इंच का है पार्किंग, ठीक है। 2 कार आराम से लग सकती है यहाँ पे। उसके बाद एक शॉप हो गया 138 स्क्वायर फीट का, जो कि 10 बाई 13 फीट 9 इंच का एक शॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइस, आप मान लीजिए कि आप रेंट पर्पस पे दे रहे हैं, ठीक है। तो रेंट पर्पस के लिए एक डोर जो हमारा स्टेयर का, यहाँ से हमारा मेन डोर हो जाएगा, मतलब ऊपर में रहने, अगर हमको खुद का रहने का है तो हम यहाँ पे एक रेंट पर्पस के हिसाब से दे दिए, मतलब कि एक रूम, एक बेडरूम, मास्टर बेडरूम, जो कि जैसे बेडरूम ही है, जैसे कि 14.5 फीट बाई 13 फीट का बड़ा बेडरूम हो गया। एंड लॉबी हो गया गाइस, ठीक है, सोफा वगैरह एंड डाइनिंग लॉबी हो गया यहाँ पे, ठीक है। डाइनिंग हॉल एंड लिविंग दोनों हो गया। एंड एक किचन का साइज हो गया 7 फीट बाई 7.5 फीट का, एक छोटा सा किचन हो गया। 1 BHK का फ्लैट में ज़्यादा बड़ा होता भी नहीं, ये प्रॉपर मतलब बढ़िया साइज का है, ठीक है। एंड एक टॉयलेट हो गया गाइस, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो कि फुली वास्तु के अकॉर्डिंग है। तो ये आप सब, मतलब वेस्ट में आप आराम से यहाँ पे बाथरूम का जो भी है वो लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद गाइस, यहाँ पे एक साइज हो गया 13 फीट 6 इंच डाइनिंग हॉल का और 8 फीट 7 इंच लंबाई हो गया, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसका ऊपर का दिखाता हूँ। मान लीजिए तो रेंट पर्पज़ के हिसाब से आप यहाँ से जब हम यहाँ पे गेट खोलेंगे, मतलब ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ से 3.5 फीट 3 इंच का एक स्टेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चढ़ करके डायरेक्ट यहाँ से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू चढ़ के यहाँ ऊपर आ जाएंगे, तो इसका फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर पे गाइस, यहाँ पे जब हम यहाँ से ऊपर आएंगे तो हम डायरेक्ट डाइनिंग एंड लिविंग हॉल पे आ जाएंगे, ठीक है। बड़ा सा, जो कि बड़ा साइज हो गया, सोफा वगैरह सारा चीज अच्छा खासा लग जाएगा एंड हॉल अच्छा बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो 21 फीट लंबाई हो गया, 13 फीट 6 इंच चौड़ाई है। उसके बाद गाइस, सामने जो है एक बेडरूम हो गया एंड एक छोटा सा बालकोनी एंड एक बालकोनी यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको डिज़ाइन में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा बालकोनी हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। और एक बालकोनी यहाँ पे, और ये बेडरूम हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि बेडरूम सामने में तो हम विंडो देंगे ही, तो हमने एक लंबा सा विंडो दे दिया यहाँ पे डिज़ाइन के लिए, ठीक है, छोटा वाला विंडो नहीं दिया है, ठीक है। और उसके बाद गाइस, चलिए मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ। और एक किचन हो जाएगा, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे 8 फीट बाई 10 फीट का, ठीक है। सामने बालकोनी हो गया और एक बेडरूम से बालकोनी हो गया, ये भी बेडरूम से बालकोनी हो गया, क्योंकि जगह के वजह से हमने मतलब इधर से बालकोनी नहीं दिया, क्योंकि किचन छोटा हो जाता, ठीक है। उसके बाद पीछे जो है गाइस, टॉयलेट एंड बाथरूम हो जाएगा, ठीक है। एंड एक बालकोनी हो जाएगा कॉमन, जो कि 6 फीट 3 इंच बाई 4 फीट 9 इंच का हो जाएगा। एक बेडरूम हो जाएगा बड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद गाइस, एक पूजा रूम हो जाएगा यहाँ पे, जो कि पूजा रूम यहाँ पे देख सकते हैं, 4x4 का पूजा रूम हो जाएगा। और उसके बाद एक बालकोनी हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब का, जैसा जिसका रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम नक्शा बना के देते हैं उसका, ठीक है। तो ये 27 फीट 9 इंच बाई 37 फीट 7 इंच का, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइस, अगर आपको नक्शा बनाना है, 3D डिज़ाइन करवाना है, तो हमारा नंबर है, वहाँ पर कॉल मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।